दोस्तों मान लीजिए एमएस एक्सेल की सीट पे मैंने कोई डाटा बनाया, अब मुझे सेम डाटा किसी दूसरे सीट पे चाहिए, तो हम सब जानते हैं कि सिंपली हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और दूसरी सीट पे जाके इसको पेस्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए मुझे इसमें सारे डाटा नहीं, कुछ लोगों का डाटा ही मुझे अगले सीट पे चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? मान लीजिए मुझे ये एडम शेरगिल जो है उसका डाटा, सत्यम का डाटा, कुलदीप का डाटा और किंग का डाटा जो है मुझे अगले सीट पे चाहिए, सबके डाटा मुझे अगले सीट पे नहीं चाहिए। तो दोस्तों क्या शॉर्टकट की या कैसे हम लोग ट्रिक का यूज करके जो कुछ डेटा जो है, जो हम डेटा चाहते हैं वो अपने अगले सेट पे ला सकते हैं। तो दोस्तों जिन लोग को नहीं पता, हम उन लोग को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कुछ डेटा जो है, जो मान लीजिए मुझे कुछ लोगों का डेटा ही अगले सीट पे चाहिए, तो वो कैसे लाएंगे। तो सिंपली दोस्तों मान लीजिए कि मुझे इसमें चौरसिया या कुलदीप या किसी भी तीन चार लोगों का डेटा ही जो मुझे अगले सीट पे चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए हम क्लिप बोर्ड का यूज करेंगे। कैसे? तो आप देखिए सिंपली हम यहाँ पे, आप कॉर्नर में दिख रहा होगा यहाँ पे क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, कॉर्नर में आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में। सिंपली यहाँ पे जो ये इस तरह का आइकन बना हुआ है, इस पे हम क्लिक करके इसको क्लिप बोर्ड को जो है ओपन कर लेंगे। दोस्तों ओपन हो गया। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे सत्यम जो चौथे नंबर पे, उसके डेटा मुझे अगले सीट पे चाहिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, सत्यम को सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। जहां तक मुझे डेटा चाहिए वहां तक सेलेक्ट करके सिंपली कॉपी करना है, कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्लिप बोर्ड में यहाँ पर शो कर रहा है कि उसका डेटा जो है वो कॉपी हो गया। अब मान लीजिए मुझे अमृत अमृत का मुझे डेटा जो है वो अगले सीट पर चाहिए, तो इसको हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे। जितने लोग का डेटा आपको चाहिए, जिसका डेटा चाहिए उसको आप सेलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे कंट्रोल प्लस सी दबा के, तो आप देख सकते हो क्लिप बोर्ड में यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए दो लोग का और डाटा ले लेते हैं, मान लीजिए कपिल का डेटा ले लेते हैं। जिसका भी डेटा चाहिए आपको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है। और एक और ले लेते हैं, मान लीजिए चौरसिया का। ठीक है दोस्तों, सेलेक्ट करेंगे कॉपी करेंगे। अब मुझे जिस सीट पे ये सब डाटा चाहिए उस सीट पे हम जाएंगे। मान लीजिए मुझे सीट टू पे मुझे ये जो मैंने डाटा चुना है वो पेस्ट करना है, तो सिंपली सीट टू पे चले जाओ दोस्तों। और यहाँ जहां भी आपको पेस्ट करना है वहां पे अपना सेलेक्ट कर लो, कर्सर रख लो, और सिंपली उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो पेस्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो कि जो जो डाटा हमने वहां पर सिलेक्ट किया था, हम लोग का डाटा जो है यहाँ पे एमएस एक्सेल पे अगले सीट पे आ गया दोस्तों, आप देख सकते हो। अब इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, अब चाहो तो अपना इसको क्लिप बोर्ड को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अब डाटा इस पे आ चुका है। तो दोस्तों ये था कुछ डेटा अगले सीट पे लाने का ट्रिक। मान लीजिए मुझे पूरा डेटा अगले सीट पे नहीं चाहिए, कुछ लोगों का डाटा ही चाहिए, तो जिसका भी डेटा चाहिए वो सब हम सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और कैसे पेस्ट करेंगे अगले सीट पे, वो मैंने आपको बताया क्लिप बोर्ड का यूज करके दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।